महाराष्ट्र में लगी पाबंदी के बाद मुंबई से पलायन करने की तैयारी में मजदूर, स्टेशन पर लगी भीड़। अपने बोझ से गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार, हमें गिराने की जरूरत नहीं, अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बोले देवेंद्र फडणवीस। फूड एंड रेस्टोरेंट्स एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शेट्टी ने मुंबई तक से बात करते हुए कहा कि उनके एसोसिएशन ने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला किया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर उगाही के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। इसके आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब खबर आ रही है कि उद्धव सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से सचिन वाजे की बहाली की गई थी उसके अनिल देशमुख के साथ संबंध एवं षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। लाल चंदन का इस्तेमाल औषधि बनाने और कलाकृतियों व फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो बेहद दुर्लभ और अत्यधिक महंगे होते हैं। हाल के वर्षों में मध्य पूर्व यूरोप और चीन के देशों में लाल चंदन की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के कारण मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, होटल बार और रेस्टोरेंट बंद है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज तक से बात करते हुए कहा कि मिनी लॉकडाउन से पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस सब के कारण अब करीब आधे प्रवासी मजदूर घर जाने की योजना बना रहे हैं। होटल एसोसिएशन ने कहा कि मिनी लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद से दिलीप पाटिल का नाम गृह मंत्री के लिए सामने आया है। इसमें दिलीप पाटिल के पास मौजूदा विभागों को एनसीपी के नेताओं में बांटा जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले की जांच के लिए अब कल दिल्ली की एक सीबीआई टीम मुंबई आएगी। यह सीबीआई जल्द से जल्द शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेगी और केस से जुड़े दस्तावेज भी जुटाएगी। सौरभ गांगुली बोले, लॉकडाउन के बावजूद मुंबई में ही होंगे आईपीएल के मुकाबले।